हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हमने लाहौल स्पीति कवर कर लिया था, तो शुरू करते हैं। गठन, किन्नौर का गठन 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। जिला मुख्यालय, इसका जिला मुख्यालय रिकोंगपियो में है। जनसंख्या घनत्व 13, और ये जो हमारे पास जितने भी सेंसिस हैं ये 2011 के अकॉर्डिंग हैं। जब तक 2021 का आएगा, क्योंकि जो सेंसिस का रिकॉर्ड होता है वो एवरी 10 ईयर्स के बाद लेते हैं, तो ये 2011 का है। 21 का जब आएगा तो फिर सारे ये आंकड़े चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज साक्षरता दर, ये 80.77 है। कुल क्षेत्रफल है 6401 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 84298, ठीक है। लिंगानुपात है 818, और ये न्यूनतम है हिमाचल में। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 7.61, कुल गांव है 660 और इसमें से आबाद गांव है 234, ग्राम पंचायतें 65 और विकास खंड 3। किन्नौर जिले से संबंधित किताबें, अब ये जो बुक्स हैं इनमें किन्नौर जिले के बारे में लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। सो फर्स्ट बुक इज द म्यूजिक ऑफ किन्नौर, ये है ई ए चौहान द्वारा लिखी गई। किन्नर लोक साहित्य, वंशीराम शर्मा, और किन्नर इन द हिमालय, ये लिखी है एस सी वाजपेयी ने, और किन्नर देश राहुल सांकृत्यायन ने। आगे है इसकी भौगोलिक परिस्थितियां, तो फर्स्ट इज भौगोलिक स्थिति। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित जिला है। किन्नौर है वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है, ईस्टर्न साइड में है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो इस तरह से है, 31 degree 55 minute 50 second टू 32 degree 5 minute 15 second तक, राइट। एंड उत्तरी अक्षांश तक है ये, और जो पूर्वी देशांतर है उसका मेजर है 77 degree 45 minute to 79 degree 4 minute 35 second। किन्नौर के पूर्व में तिब्बत है, दक्षिण में उत्तराखंड है, और पश्चिम में कुल्लू, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में शिमला, उत्तर पश्चिम में लाहौल स्पीति है। जास्कर किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण करता है, ठीक है। जो जास्कर दर्रा है वो किन्नौर और तिब्बत के बीच में जो है बाउंड्री को निर्धारित करता है कि इस साइड किन्नौर है और इस साइड तिब्बत है। नेक्स्ट है घाटियां, सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है, राइट। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। हांगरांग घाटी स्पीति नदी के साथ में है, जो खाब गांव के पास सतलुज से मिलती है। जो स्पीति नदी है उसके साथ में आपके हांगरांग घाटी पाई जाती है, जो खाब गांव का नाम है ये खाब, उसके पास सतलुज नदी में मिल जाती है। बसपा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है, और ये बसपा नदी द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। जो बसपा घाटी है वो बसपा नदी द्वारा निर्मित होती है, और इसको सांगला घाटी भी कहा जाता है, और सांगला घाटी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। नेक्स्ट इज भाभा, किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है, जो भाभा घाटी में स्थित है, राइट। नदियां, नदियों में फर्स्ट है सतलुज नदी, किन्नौर को दो भागों में बांटती है, ठीक है। सतलुज को तिब्बत में जुगंती और मुकसुम के नाम से जाना जाता है, ये सतलुज के नाम है जो तिब्बत में इस नाम से सतलुज नदी को जाना जाता है, ठीक है। रोपा नदी सियांशु के पास सतलुज नदी में मिलती है, रोपा ये नदी है जो सियांशु एक जगह का नाम है उसके पास सतलुज नदी में मिलती है। और ये कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से कसांग, तैंती, यूला, मुलगुन, स्पीति और बसपा, ये सतलुज की किन्नौर में प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज झीलें, तो फर्स्ट है नाकोलेक और दूसरी है सोरंग। तो नाकोलेक हांगरांग तहसील में है और सोरंग निचार तहसील में है। नेक्स्ट है वन, तो वनों में क्या जो स्पेशियलिटी है उसमें ये है कि नियोजा वृक्ष पूरे भारत में केवल किन्नौर में पाया जाता है।